हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप पीटीजेएम रायपुर से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं स्टेट कोटा के थ्रू, तो आप लोग को पीटीजेएम रायपुर में 23 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। भाई कितना लगेगा? 23 डॉक्यूमेंट्स। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि 23 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा वॉच करें, क्लियर है। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस चैनल में आप लोग को छोटी से छोटी बात जो है आप लोग का इन्फॉर्मेशन वो आप लोग को मिलेगा, क्लियर है। कहाँ क्या हो रहा है, एमबीबीएस का क्या इन्फॉर्मेशन आया, नीट का क्या इन्फॉर्मेशन आया है आप लोगों का, ठीक है ना। रिजर्वेशन पे क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोग का, सब चीज़ आप लोग इस चैनल पे मिलेगा, क्लियर है। तो देखो भाई, अरे ये जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स मैं कहाँ से निकाला हूँ, इस डॉक्यूमेंट्स को मैं पीटीजेएम रायपुर के वेबसाइट से जाके निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर पीटीजेएम रायपुर में 23 डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, तो आप ये माने कि जितने भी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पास भी क्या लगेगा आप लोगों को, 23 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्लियर है। कितना डॉक्यूमेंट्स लगेगा? 23 डॉक्यूमेंट्स लगेगा भाई, क्लियर है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको ध्यान से देखते हैं। चलिए भाई, तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का वो है भाई आप लोग का एडमिशन प्रोफाइल। भाई क्या है आप लोगों का एडमिशन प्रोफाइल, ठीक है ना। क्या है आप लोग का? पहला है एडमिशन प्रोफाइल, ठीक है ना, क्लियर है। सेकेंड है आप लोग का अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है ना। अभी अलॉटमेंट लेटर कहाँ से मिलेगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ कि कहाँ से आप लोग को मिलेगा अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, क्लियर है। तो जो है आप लोग का अलॉटमेंट लेटर है ये भाई आप लोगों का एमसीसी से, भाई कहाँ से निकलेगा आप लोगों का, ये एमसीसी से, ठीक है ना, एमसीसी। एडमिट कार्ड भाई ये आप लोग को मिलेगा एनटीए से मिलेगा, क्लियर है ना। रिजल्ट भी आप लोग कहाँ से मिलेगा? एनटीए से मिलेगा, ठीक है ना, एनटीए से रिजल्ट। टेंथ का मार्कशीट चाहिए, ट्वेल्थ का मार्कशीट चाहिए, और साथ में ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट भाई, क्या है कि आप पास हुए कि नहीं ट्वेल्थ का, वो चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ मार्कशीट से हो जाएगा, क्लियर है ना। वहाँ पास मेंशन रहता है कि आप पास है कि फेल है भाई, क्लियर है, ठीक है। हाँ, ट्वेल्थ पासिंग सर्टिफिकेट, क्लियर है। इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होगा होगा भाई, ठीक है ना। सेवन एट्थ है आप लोग का टीसी, ठीक है ना भाई, क्या है टीसी है, और एक है आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और क्या लगेगा आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भाई। तीन सर्टिफिकेट, क्या क्या, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और क्या है आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। साथ में भाई आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये है भाई इनकम जो है सर्टिफिकेट, कितने साल का लगेगा, ओबीसी का लगेगा 3 साल का भाई, क्लियर है ना। कितने साल का? ओबीसी 3 साल, लास्ट 3 ईयर का भी, ठीक है ना। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट कितने साल का लगेगा ओबीसी के लिए, क्लियर है। चलिए भाई, इसके बाद आप लोग का फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, ये कहाँ से बनेगा आप लोग का? स्टेट मेडिकल बोर्ड से भाई। कहाँ से बनेगा? स्टेट मेडिकल बोर्ड से, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद है आप लोगों का फ्रीडम फाइटर भाई, ये कहाँ से बनेगा आप लोगों का? यहाँ पास बोला गया है फ्रीडम फाइटर इशूड बाय कलेक्टोरेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कहाँ से मिलेगा आप लोगों का? कलेक्टोरेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इफ रिक्वायर्ड भाई। क्या है आप लोग का? यह इफ रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। क्या है आप लोग का? इफ रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं कि लगेगा, अगर आप नहीं आते फ्रीडम फाइटर में तो नहीं लगेगा। और ये भी क्या आप लोग का? इफ रिक्वायर्ड है। क्या है आप लोग का? इफ रिक्वायर्ड है भाई। क्या है? इफ रिक्वायर्ड है भाई। क्या है? इफ रिक्वायर्ड है, अगर लग रहा है तो लगेगा, अगर नहीं लग रहा है तो देने की जरूरत है ही नहीं भाई, क्लियर है ना। एक है भी आप लोग का 14 नंबर पे, वो है आर्म्ड फोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी कमांडर कमांडेटर या एक्सो सर्विस में सर्टिफिकेट इशू बाय सैनिक कल्याण बोर्ड ऑफ रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड इंडोर्स बाय डायरेक्टर स्टेट सैनिक कल्याण बोर्ड सीजी। तो कहाँ से मिलेगा आप लोग का? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से मिलेगा? सैनिक कल्याण बोर्ड ऑफ रेसिडिंग डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है ना। कहाँ से मिलेगा आप लोग को? ये मिलेगा आप लोग का छत्तीसगढ़ से, क्लियर है ना। ये भी क्या आप लोग का? इफ रिक्वायर्ड है भाई। क्या है आप लोग का? इफ रिक्वायर्ड है, अगर आप लोग के पास अगर नहीं आते आप इसमें तो आप लोग के डॉक्यूमेंट से नहीं लगेगा, क्लियर है। चले भी इतने हो गया आप लोग का, 14 हो गया है, 14 सर्टिफिकेट, जिसमें से 3 सर्टिफिकेट आप लोग का कैसा है, जो आप लोग का इफ रिक्वायर्ड है भाई, ठीक है ना।
और इनकम सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी क्या आप लोग का इफ रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं कि जरूरी है। अगर आप जनरल में आते हैं तो आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्लियर है ना। जनरल में आ रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्लियर है। तो फोटो खींच लो आप लोग इसको, क्लियर है ना। क्या करो इसको, फोटो आप लोग क्लिक कर लो। फिर चलते हैं भाई 14-7 और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है आप लोग का। तो और डॉक्यूमेंट्स है भाई आप लोग का EWS सर्टिफिकेट। भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का, आप लोग का है EWS सर्टिफिकेट है, क्लियर है ना। EWS सर्टिफिकेट है, ये भी क्या आप लोग का इफ रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अगर आप आते हैं तो लगेगा, क्लियर है ना। EWS सर्टिफिकेट है, रूरल सर्विस बॉन्ड ये तो लगेगा ही लगेगा, आप लोग को जब काउंसलिंग कराएंगे ना तो वहाँ जाएंगे तो एक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। रूरल सर्विस बॉन्ड आप लोग को मिल जाएगा। एक है भाई डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड है, ये भी लगेगा। एफिडेविट आल डॉक्यूमेंट्स भी, ठीक है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा उस सभी डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा आप लोग का एफिडेविट लगेगा, क्लियर है ना, ठीक है। अरे कहाँ से होगा आप लोग का, तहसील से होगा। और क्या है आप लोग का सेकेंड जो एफिडेविट है वो है आप लोग का एंटी रैगिंग। भाई किसका है बताओ एफिडेविट आप लोग का एंटी रैगिंग है, क्लियर है ना। किसका है एंटी रैगिंग है। फिर 20 भी आप लोग कन्फर्मेशन पेज रहेगा, क्लियर है ना। क्या रहेगा आप लोग का कन्फर्मेशन पेज भाई, ठीक है ना, क्लियर है। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक आता लास्ट में कन्फर्मेशन पेज भाई, ठीक है ना। फिर आगे भाई 20 आप लोग का लगेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, इसी ये है भाई आप लोग का लगे कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से, ठीक है ना। कहाँ से लगेगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से, अगर वो मेडिकल जो बोर्ड है क्या हो अलॉटेड हो भाई, ठीक है ना, उसको परमिशन दिया जाए कि आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो वहाँ से, ठीक है ना। ये आप लोग का फिर 22 भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है ना। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बोला भाई मतलब सिग्नेचर सहित आप लोग क्या रहेगा आधार कार्ड रहेगा, ठीक है ना। आधार कार्ड नहीं है तो क्या लगेगा उसके बदर उसके साइड पे कोई भी आप लोग का गवर्नमेंट का आईडी कार्ड, ठीक है ना, चाहे पैन कार्ड हो और भी जो होते ना उसका आप लोग को लगेगा, क्लियर है ना। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से वो हो जाएगा भाई, क्लियर है ना। फिर 23 भी आप लोग का वो है आप लोग का 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है भाई। कितना है, 3 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है। इसके बाद बोला गया भाई नीट नोट करके, नोट में ये लिखा गया है कि 2 सेट फोटोकॉपी ऑफ अबो डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इसका क्या लगेगा, 2 फोटोकॉपी आप लोग को लगेगा, क्लियर है ना। और साथ में क्या है भाई, फॉर फीस पेमेंट के लिए आप लोग को 2 DD भाई। कितना लगेगा, 2 DD मतलब 2 डिमांड ड्राफ्ट। कितने कितने का, एक डिमांड ड्राफ्ट होगा आप लोग का 40,000 का और एक रहेगा आप लोग का 10,000 का। ये रहेगा आप लोग का PTJNM कॉलेज का जो डीन है ना उसके नाम पे आप लोग का बनेगा, क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोग इसका फोटो खींच लीजिए भाई, क्या करें आप लोग इसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है ना। ये 23 हो गया, 15 से 23 का, क्लियर है ना। ये हो गया आप लोग का 2 डिमांड ड्राफ्ट लग हो गया है। और यहाँ पास क्या क्या इंक्लूड नहीं किया हुआ है भाई, यहाँ पास इंक्लूड नहीं किया गया है आप लोगों का, अगर देखा जाए तो गैप सर्टिफिकेट भाई, कि आपने गैप सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पास नहीं बोला गया है, फिर भी आप इसको बना के रख सकते हैं। मोबाइल नंबर तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, साथ ही ईमेल आईडी भी वहाँ पास आप लोग को आधार कार्ड में यहाँ पास इसको लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये था आप लोग का कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को PTJNM कॉलेज में लगेगा, ठीक है ना। और PTJNM जानते भी कॉलेज कौन सा कॉलेज है आप लोग का, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट प्रिफ्रेंस मेडिकल कॉलेज है भाई। बच्चे जब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो फर्स्ट प्रिफ्रेंस रहता है PTJNM। तो PTJNM में जो आप लोग का डॉक्यूमेंट लिस्ट आया है सेम लिस्ट किसका रहेगा भी आप लोग का, जितने भी अदर आप लोग के गवर्नमेंट MBBS मेडिकल कॉलेज है, क्लियर है ना। तो डॉक्यूमेंट्स को आप लोग बना लीजिए भाई, क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स को क्या करें आप लोग बना लीजिए, क्लियर है। तो आज की वीडियो यहीं तक का, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।